अब मुझे बताइए कि इस सब में आपको कहीं लग रहा है कि इसका थंप से कोई लेना देना है, ये बताइए आप मुझे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरमन और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैपेक्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यार दोस्त बहुत सारे एक सवाल पूछ रहे हैं मुझे मैनुअल टैपेक्स को लेकर, जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत छाया हुआ है। तो मैं टेक्निकली कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक वो सारा जो मैटर है वो डिलीवर हो। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको मैनुअल टैपेक्स की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा डायग्राम देख के आप डरिए मत, मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये टैपेक्स सिस्टम का लफड़ा क्या है। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी समझ आ जाए, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि जो यूसी इंजन है, मतलब कि जो आजकल चल रहा है यूसीई, उसमें क्या रहता है, उसमें यहाँ पर कैमशाफ्ट है जो घूमती है। कैम जो है वो घूमकर इसको लिफ्ट करती है। सबसे पहले हमारी हाइड्रोलिक टैपट आती है, वो लिफ्ट होती है, वो आगे लिफ्ट करती है लिंक रॉड को, और लिंक रॉड जो है वो आगे रॉकर को जो है वो रॉकर आर्म को लिफ्ट करती है, जिससे कि वाल्व हमारा ओपन हो जाता है जो कि स्प्रिंग लोडेड रहता है। ठीक है जी, अब वाल्व जो है वो खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें या तो इनलेट चाहिए होती है या फिर आउटलेट को बाहर निकालना होता है। तो ये दो मेन कारण रहते हैं जिसकी कारण से हमें जो है वो वाल्व को खोलने की ज़रूरत पड़ती है। अब वाल्व को खोलने की ज़रूरत का ही सारा लफड़ा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको ये समझ आ गया, कैम है, कैम लिफ्ट करती है हाइड्रोलिक टैपेट को, और उसके बाद ये लिंक रॉड को, और फिर रॉकर आर्म, फिर ये वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम सीए के केस में क्या था। सीए के केस में सिंपल एक कैम थी, एक सॉलिड लिंक रॉड थी, और रॉकर और बाकी सब कुछ वैसा ही। बदलाव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोलिक टैपेट के केस में। अब इसमें क्या होता था, आप यहाँ पे बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, कैमशाफ्ट, लिंक रॉड, रॉकर आर्म, स्प्रिंग और ये वॉल्व। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये मैंने लिखा हुआ है कंपनसेटरी गैप, मतलब कि रॉकर और लिंक रॉड के बीच में गैप रहता है। ये गैप किस लिए रखा जाता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो गैप इसलिए यहाँ पे होता है क्योंकि एक फिज़िक्स का छोटा सा लॉ है, या फिर प्रिंसिपल कह लीजिए, कि मैटर एक्सपेंड्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि जब उसको हम हीट करते हैं तब मैटर एक्सपेंड होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जब तो हमारा इंजन जो है वो ठंडा है, तब तक तो इसकी लेंथ जो है वो एज इट इज़ रहेगी, जो हमारी लिंक रॉड है। मगर जैसे ही हमारा इंजन जो है वो गर्म हो जाएगा, तब इसकी लेंथ जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी, समझे यहाँ पे। तो तब क्या होगा, अगर यहाँ पे हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो ये बकल कर जाएगा, मतलब कि अगर ये पेन सीधा है, इसके ऊपर लोड पड़ रहा है, तो ये ऐसे टूट जाएगा, यानी कि बेंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक गैप छोड़ना पड़ता था पुराने केसेस में, सीआई केसेस में, मैनुअल टैपेट के केसेस में। और वहीं हमारा यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक लगा रहता था टैपेट एडजस्टर, यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता था टैपेट एडजस्टर, जिससे कि हम टैपेट को एडजस्ट कर सकते थे, उसके गैप को एडजस्ट कर सकते थे। क्योंकि टाइम द टाइम जब ये हीट साइकिल्स जो है वो चलता रहता है, तब ये अपनी लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ से परे हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका एक एडजस्टिंग लगा रहता था, जिससे कि इसकी लेंथ जो है वो बड़ी छोटी हो सकती थी। अब ये थे मेन कारण कि इनको यहाँ पे हाइड्रोलिक टैपेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। हाइड्रोलिक टैपेट के केस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर फिल रहता है इंजन ऑयल, वो स्प्रिंग लोडेड रहता है, और इंजन ऑयल जो है वो उसको कुशन करता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो गैप है ये हमें कंपनसेट करना पड़ता था खुद से। अब हाइड्रोलिक टैपेट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि चाहे ये रॉड जो है वो लंबी हो या छोटी हो, ये अपने आप उस गैप को जो है वो एडजस्ट कर लेगा, यानी कि इससे पहले कि हमारी लिंक रॉड जो है वो बकल करे या फिर बेंड करे, उससे पहले ही ये जो इंजन ऑयल या हाइड्रोलिक टैपेट है ये उसको एडजस्ट कर देगा और लेंथ को प्रॉपर कर देगा। बस यही यहाँ पे थोड़ी सी
मैं आपको समझाना चाहता था बोर्ड के माध्यम से। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो भी पॉइंट आपको नहीं क्लियर हुआ है मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। और बाकी तो आप देख लीजिए मैनुअल टैपेट्स में से अब कहीं पे भी आपकी टैपेट जो है वो उसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो सकती है, आप उसको ठीक करने के लिए खोलेंगे, अपने हाथ गंदे करेंगे वगैरह वगैरह। और वहीं अगर कंपनी ने कुछ अच्छा दे दिया है, हाइड्रोलिक टैपेट आपको दे दिए हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 1,00,000 किलोमीटर तक चलते हैं, फिर भी लोग जो है वो पता नहीं कौन सी थंप के चलते हुए मैनुअल इन पर आ रही है टैपेट्स पे। अब मुझे बताइए कि इस सब में आपको कहीं लग रहा है कि इसका थंप से कोई लेना देना है, ये बताइए आप मुझे। तो आप लोगों के पीछे मत लगिए, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये तो वीडियो मोस्ट डिमांडेड थी, मेरे तकरीबन 10 या 15 सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि ये यहाँ पे सारा कुछ सॉलिड है, इसको हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट हो जाएगा हाइड्रोलिक टैपेट की वजह से, क्योंकि जितना भी गैप होगा वहाँ पे इंजन ऑयल आके वो जगह ले लेगा और प्रेशराइज्ड फॉर्म में लेगा, जिससे कि लिफ्टर में कोई भी वो आएगी नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। तो ये जो है, फिर भी आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ये यहाँ पे गैप फिल कर देता तो इसमें टिक टिक की आवाज़ क्यों आती है। टिक टिक की आवाज़ इसलिए आती है, एक तो यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और सीट पे हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स कितने हैं, तो कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे मेटल जो है वो टकराने की आवाज़ आएगी, तो इसलिए जो है वो टिक टिक की आवाज़ आती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया है। एक तरफ तो हम सब कह रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड ABS जैसी चीज़ें, जो एडवांस चीज़ें हैं वो नहीं लेके आ रही है अपनी बाइक्स में, मॉडर्न बाइक्स नहीं बना रही है, और अगर वो कुछ मॉडर्न करते भी हैं तो हम उसको धकेलते हैं पीछे की तरफ ताकि हम अपनी नॉनसेंस क्रिएटिविटी दिखा सकें। उसका कोई सेंस नहीं है और नॉनसेंस ही मैं बोलूँगा उसको। और ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने पूछा था मुझसे, उसका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, मैनुअल टैपेट्स लगवाने चाहिए या नहीं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये नॉलेज सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।